हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का। वैसे आज सारा दिन कुछ करने का तो कुछ था नहीं। मैं सोच रहा था क्या करूं, तो अब देख लीजिए, यहाँ का वेदर भी देख लीजिए, क्योंकि मैं हूँ कैलकटा में, तो मैं आपको कैमरा चेंज करके वेदर दिखाता हूँ। ये देखिए, तो कैलकटा में यश बोल के जो तूफान साइक्लोन आने वाला है, प्रॉपर कैलकटा में तो नहीं आएगा, बट बालासोर पैराडीप से एंटर करके निकल जाएगा झारखंड बिहार के तरफ। बट उसका असर अभी से कोलकाता में दिखने लग गया है। अभी टाइम हो रहा है 5:30, 5:30 का टाइम हो रहा है शाम का। और ये देखिए वेदर कैसा है, ये मैं अपने बैलकनी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रिल है मेरे बैलकनी में, तो सॉरी गाइस, बट बारिश जस्ट रुका है अभी, लेकिन काले बादल, बस देख लीजिए मौसम कैसा हो रखा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बनाया जाए और खाया जाए। और जब मैंने सोचा कि कुछ बनाया जाए, तो अच्छा रुकिए, मैं अपना कैमरा पहले चेंज कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने जब सोचा कि कुछ बनाया जाए और खाया जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश में तो पकौड़े वगैरह अच्छे लगते ही हैं, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को भी दिखाऊं कि मैं कैसे बनाता हूं अपने घर में पकौड़े। तो चलिए मैं किचन में जाता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं। थोड़ा रेसिपी को क्विक रखेंगे, क्योंकि मैं कुकिंग शो नहीं कर रहा, तो रेसिपी को थोड़ा क्विक रखेंगे। थोड़ा फटाफट आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे क्या बना रहा हूँ आज के नाश्ते के लिए। चलिए गाइस, सी यू फ्रॉम द किचन। ओके गाइस, ये रहा मेरा किचन। आप देख ही सक रहे होंगे, मैंने कुछ सब्जियाँ काट के रखी हैं, क्योंकि हम लोग आज बना रहे हैं मिक्स पकौड़ा। तो थोड़े से कैप्सिकम लिए हैं मैंने, करीब 1 से 1.5 कैप्सिकम, क्योंकि मुझे कैप्सिकम अच्छा लगता है ज़्यादा। एक टमाटर भी है, 2 अनियन हैं, और एक आलू भी लिया है मैंने, जिसको मैंने पहले से थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैं क्या करने वाला हूँ। ये आप देख सक रहे हो कि बहुत ही छोटे छोटे बारीक कटे हुए हैं आलू। तो मैंने एक्चुअली क्या किया है कि मैंने ये ग्राइंडर बोल लो या जो भी बोल लो, इसके मदद से मैं सारे वेजिटेबल्स को एकदम छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में काट लूँगा। तो चलिए मैं काट के आपको दिखाता हूँ, थोड़े से आपको काट के भी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे करके काटा है। तो ये जैसे कि सपोज कर लीजिए, उसका व्हील लगा दिया, थोड़ा कैप्सिकम ले लिया, थोड़ा अनियन ले लिया, थोड़ा टमाटर ले लिया, ठीक है ना गाइस। तो ये सारा मैंने ले लिया है इसमें, और लेके अब मैं इसको लॉक कर दूंगा। ओके, तो लगता है ये लॉक हो गया है। अब इस विंग को मैं खींचूंगा, तो ये इसे ग्राइंड कर देगा। चलिए मैं देखता हूँ, मैं आप लोगों को कैमरा लगा के सेट करके अगर दिखा पाता हूँ। हाँ, ये ठीक होगा शायद। आपको जितना बारीक चाहिए आप उसी हिसाब से इसके लीवर को डालिएगा। मुझे एकदम दरदरा और एकदम छोटे छोटे बारीक बारीक पीसेस चाहिए, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा चलाया है, ये देखिए कुछ ऐसा। और इसको अब मैं डाल लूँगा यहाँ पर रखे मेरे कढ़ाई में, उसी तरीके से मैं
सारे सब्जियों को काट लूँगा और काटने के बाद सबको मैं डाल लूँगा इस कढ़ाई में। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, ओ हाँ, एक क्यूकम्बर भी था जो मैं बोलना भूल गया, मैंने एक क्यूकम्बर भी लिया था। तो गाइस चलिए अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये बाकी सब्जियों को भी मैं ऐसे ही करके ओह माय गॉड, खाना बनाना बहुत मेहनत है लेकिन यार मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों में से किसको किसको खाना बनाना अच्छा लगता है, सिर्फ खाना नहीं बनाना भी अच्छा लगता है। बताइए गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों में से किसको किसको खाना बनाना भी अच्छा लगता है और खाना बना के खुद के खाने को मज़े लेकर खाने में मज़ा आता है, तो ये आप लोग बताइएगा मुझे। तब तक मैं क्रश कर लेता हूँ सब्जियों को। ये भी हो गया, आई होप आप लोग देख पा रहे हो क्योंकि मैं जनरली कुकिंग के वीडियोस बनाता नहीं हूं तो ये फर्स्ट टाइम है, सीख जाऊंगा, कोशिश है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स सबको बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो क्या है ना कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं जो कंटेंट पुट करता हूँ वो आप लोगों को पसंद आता है। तो इस तरीके से ये लास्ट है, इसको भी जोर जोर से दम ओके गाइस रेडी हो गया है। और हाँ गाइस, थोड़ा ट्विस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा पनीर लिया, छोटा सा थोड़ा सा बस। इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्यूब्स नहीं करूँगा बट इसको मैं ऐसे भुज्जी करके, ऐसे अगर आपको दिख रहा हो तो ऐसे क्रम्स क्रम्बल करके कुछ भुज्जी के तरह ऐसे मैं बस मिक्स कर दूँगा। बस ज़्यादा पनीर मैंने नहीं लिया है, जस्ट फॉर टेस्ट, थोड़ा सा पनीर का भी टेस्ट आएगा और इसमें मैं चीज़ भी डालने वाला हूँ तो उसमें चीज़ भी जाएगा इसलिए। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने सब्जी ज़्यादा बना लिया क्योंकि अभी इसमें बेसन नहीं गया गाइस, इसमें अभी बेसन नहीं गया है, इसमें अभी मसाले नहीं गए हैं तो मुझे तो लग तो रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आई गेस मैं 4 लोगों के लिए बना रहा हूँ, 5 लोगों के लिए तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा गाइस। चलिए मैं इसको ठीक ठाक करता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या किया। गाइस तो मैंने निकाल लिया है बेसन और मैं यहाँ पर अंदाजे से ले रहा हूँ बेसन क्योंकि अपने को ज़्यादा पतला या रनी बैटर नहीं बनाना है। और मैं देखिए बैटर किस में ले रहा हूँ, जो सब्जियाँ मैंने काट के रखी थी मैं उसी में डायरेक्ट बैटर ले रहा हूँ। और ये करीब करीब 200 ग्राम या उससे थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके तो ये लेने के बाद व्हाट आई एम गोना डू इज मैं इसमें मिलाऊंगा स्वाद अनुसार नमक। तो स्वाद अनुसार नमक
और मैं इसमें मिलाऊंगा जीरा पाउडर, ओके, थोड़ा सा जीरा पाउडर, 1 TSP जीरा पाउडर। देखिए ये कोई रेसिपी नहीं है, ये मैं अपने घर में बना रहा हूँ और मैं अपने मर्जी से बना रहा हूँ। आप लोग बना के खा के देख सकते हो, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और अगर इसको और बेहतर बनाने का कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा कि इसको कैसे मैं और बेटर बना सकूं। अब मैं दे रहा हूँ 1 TSP के आसपास सौंफ का पाउडर, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि बेसन है तो मैंने दिया है अजवाइन पाउडर, और थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ चिकन मसाला। ओके ओके गाइस, आई एम अ वेजिटेरियन, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि चिकन मसाला में ये ग्रीन डॉट आता है, इसका नाम चिकन मसाला है बट ये ग्रीन है, नॉनवेज नहीं है। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अगर पानी लगेगा तो मैं इसमें पानी मिलाऊंगा, नहीं तो फिर मैं इसमें पानी नहीं मिलाऊंगा। मेरे ख्याल से बेसन और थोड़ा लेना पड़ेगा, और आप लोगों का चहिता ब्लॉगर मेरा बेटा वो भी मुझे हेल्प कर रहा है यहाँ पर, तो मैं दिखाता हूँ, यहीं पर खड़ा है, एक सेकंड, ये देखिए। हाँ ठीक है बेटा, मैं बना रहा हूँ ना, लेकिन मेरा तो, वाला जो पकोड़ा है ना, पकोड़ा उच्च है ना, मिर्ची और अनियन, अनियन हटाना, बस मिर्ची हटाना, मिर्ची नहीं डाला इसीलिए। हाँ ठीक है, हटा देना। थैंक यू बेटा। ये बात मैं सबको बता दूँ, दर्शकों लोगों को जो लोग हम लोग का वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने ये पकौड़े में कोई मिर्चा नहीं यूज किया है। ठीक है, मिर्चा मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया है क्योंकि मेरे बेटे जी को मिर्चा नहीं पसंद, झाल नहीं पसंद। ओके पापा, हाँ जी, मेरे को पंपकिन और चिली नहीं पसंद। ओके परफेक्ट, अभी मेरे को तो मैंने इसमें पंपकिन भी नहीं मिलाया है, मैंने इसमें चिली भी नहीं मिलाया है, बस अनियन मिलाया, अनियन मिलाया है, और इसमें मैं मिलाने जा रहा हूँ थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च मतलब रेड कलर, रेड कलर चिली, करेक्ट, एकदम करेक्ट। तो अब थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करना होगा ना, मिक्स करने से सब मसाला अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसमें मिलाने वाले हैं ये क्या? नहीं, वो सब हम लोग मिला दिया बेटा। अब चलो, अब हम लोग इसमें मिलाने वाले, तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि अब हम लोग मिलाएंगे मिर्च, गार्लिक चटनी, ये है थोड़ा सा गार्लिक फ्लेवर देने के लिए। ऐसे आप लोग के पास अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट हो या अनियन गार्लिक पेस्ट हो या गार्लिक पाउडर हो तो वो आप लोग मिक्स कर सकते हैं। ये चटनी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें मिलाया है, इससे थोड़ा गार्लिक की टेस्ट आएगा, इससे थोड़ा गार्लिक की टेस्ट आएगा, और इसके साथ थोड़ा सा स्पाइसी भी हो जाएगा। ठीक है, अब गाइस मैं तेल गरम करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसे फ्राई कैसे करना है। गाइस अब ट्विस्ट के लिए मैं इसमें डालूंगा थोड़ा सा चीज, लिक्विड चीज, ओ माय गॉड, चीजी पकौड़ा, चीजी मिक्स पकौड़ा। मुझे पता नहीं, मैंने पहले बनाया नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ट्राई किया है और फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी क्या है ना कि मुझे भी नहीं पता इसका आउटकम कैसा होगा, बट ठीक है,
मैं कोशिश करके देख रहा हूँ और आप लोगों को ये दिखा भी रहा हूँ कि कैसे बनाना है कि मैं चीजी मिक्स वेज मेरे बेटे जी को बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा टेस्ट करके बताइए तो नमक ठीक है पापा? अच्छा है नमक, बहुत अच्छा है लेकिन लेकिन इसमें अनियन थोड़ा कम है। नहीं और अनियन नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा तेज नहीं है, जब इसको बना के हम लोग खाएंगे तो ज्यादा तेज होगा। हाँ वो तो हो गई, अभी नहीं जाना, अभी तो हम तुमको सिर्फ टेस्ट करवाया था जो उसमें नमक और है। ओके गाइस, तो देखिए जो वेजिटेबल्स है ना उसमें नमक पड़ गया है तो पानी छोड़ रहा है, तो मैं ज्यादा लेट नहीं करूंगा, लेकिन आपको ऐसे कंसिस्टेंसी में रखना है, ये फ्लोई कंसिस्टेंसी टाइप है बट रनी नहीं है, तो आप लोग होपफुली देख पा रहे होंगे कि मैंने कैसा कंसिस्टेंसी रखा है। तो मैं जल्दी से तेल गरम करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है। ओके, तो ये देखिए बैटर है रेडी और तेल भी है रेडी, मैंने पहले इसे हाई फ्लेम में रखा था और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये बैटर आप अपने हिसाब से चम्मच से डालो या हाथ से डालो या जैसे भी आपको इच्छा है आप डालो एंड गोल्डन फ्राई इट, गोल्डन फ्राई कर लो, गोल्डन फ्राई करके गोल्डन फ्राई कर लीजिए, गोल्डन फ्राई करके इसको आप सॉस के साथ या किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इसे फ्राई करने के बाद, क्योंकि ये कैमरा मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा है तो दिस इज़ अ लिटिल टफ, मुझे पता नहीं आप लोगों को दिखेगा या नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। ओके गाइस, तो मैं ट्राई करता हूँ, तेल हो गया है गरम, तो मेरा चम्मच गया इसके अंदर घुस, तो आई डोंट नो, एक दो ये तीन चार और ये पांच। ओके गाइस, तो ज़्यादा ओवरलोड मत करिएगा तेल को, क्योंकि ये सारे ऐसे फ्राई होंगे और हो सकता है कुछ सब्जी उब्जी खुल भी जाए, थोड़ा बैटर फैल जाए, बट देन फैलने से आप घबराइएगा मत। तो चलिए देखते हैं, ये फ्राई तो अच्छे तरीके से हो रहा है, चलिए अब मैं इनको फ्राई करता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आई विल गेट बैक टू यू वंस दे आर रेडी। देख के तो लग रहा है दे आर ऑलमोस्ट रेडी, बट एक बार रेडी हो जाता तो मैं प्लेटिंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो बन के रेडी है हमारा पकौड़ा और हमारे बेटे जी, हमारे हीरो जी इसको करेंगे आप लोगों के लिए टेस्ट और बताएंगे कि कैसा बना है। प्लीज टेस्ट सर। सॉस में डुबा के, वाओ। अच्छा बना है? वाओ, थैंक यू। इतना बड़ा बाइट क्यों लिया आपने? अच्छा लगा इसीलिए? हाँ, पकौड़ा अच्छा लगता है आपको पापा? तो गाइस ये कुछ बन के ऐसा रेडी हुआ है और आप लोगों को भी बनाने का कोशिश करना चाहिए, बनाइए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, घर में खाइए, गरम गरम बनाइए, घर वाले में, घर में सब कोई को खिलाइए, घर वालों के संग शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप लोगों को पकौड़ा। और आपको कुछ बोलना है बोलिए। पकौड़ा बहुत अच्छा है, बच्चा लोग को भी खाने देना। हाँ भाई, बच्चे लोग को जरूर खाने देना और अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय।
गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।